छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल वोकली क्षेत्र परासिया की ओपन कास्ट माइंस उर्धन में ठेका कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी को छीन लिया। वहीं स्थानीय मजदूरों के अनुसार ओपन कास्ट माइंस प्रबंधक आरजी शर्मा, सेफ्टी मैनेजर और ठेकेदार रामफल शर्मा की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें ठेका मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। गौरतलब है कि वेकोली में छत्तीसगढ़ की स्टार एक्स नामक कंपनी के द्वारा अनुबंध के आधार पर कोयला निकालकर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं स्टार एक्स नामक कंपनी के संचालक अनिल शर्मा व सेफ्टी मैनेजर और ठेकेदार रामफल शर्मा के द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में कोयला निकालने वाली 650 टाटा हिताची मशीन को अनट्रेंड कर्मचारी के द्वारा चलवाया जा रहा था। इस लापरवाही के कारण ओपन कास्ट माइंस में 650 टाटा हिताची मशीन के नीचे आने से ठेका मजदूर अपनी जान गवा बैठा। वहीं कंपनी बस क्षतिपूर्ति देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, जबकि यह मामला जानबूझकर लापरवाही का है। वहीं अब मांग उठ रही है कि इस मामले की जांच कराकर दोषी और कंपनी पर कार्रवाई की जाए। दरअसल शुक्रवार की दोपहर में ठेका मजदूर छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल वेकोली पेंच क्षेत्र परासिया की ओपन कास्ट माइंस उर्धन में स्टार एक्स नामक कंपनी के लिए कोयला निकालने का काम कर रहा था। तभी 650 टाटा हिताची मशीन, जिसको एक अनट्रेंड कर्मचारी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी मशीन के नीचे आने से ठेका मजदूर की मौत हो गई। वहीं परासिया खदानों में काम करने वाले ठेका मजदूर और कामगारों के लिए सुरक्षा उपकरणों की भी पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। वहीं सारे नियमों को ताक पर रखकर अक्सर खान प्रबंधन और ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण फिर ओपन कास्ट माइंस में देखने को मिल गया और एक मासूम ने अपनी जिंदगी गंवा दी। गौरतलब है कि 650 टाटा हिताची मशीन के नीचे मजदूर के दबने के बाद उसे जैसे तैसे करके अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों का कहना है कि पूरा हादसा सिर्फ लापरवाही के कारण हुआ है। नियम अनुसार जिस मशीन को एक ऑपरेटर को चलाना चाहिए था, वह एक अनट्रेंड मजदूर चला रहा था, जबकि उसके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही उसको किसी प्रकार का कोई मशीन चलाने का अनुभव। साथ ही मजदूरों का यह भी कहना है कि उनको मिलने वाली मूलभूत जरूरतों को भी कंपनी पूरा नहीं करती है। मजदूरी में बिना बात के कटौती की जाती है और वो भी समय पर नहीं दी जाती है। इतनी बड़ी घटना के बाद कंपनी के जिम्मेदार लोग अब ये कह रहे हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, जबकि लापरवाही ये लोग करते हैं और दोष भगवान को देते हैं। ग्राइंड मॉर्निंग टीवी के लिए परासिया छिंदवाड़ा से ग्वाल तिवारी और निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। परिवार होता नहीं है उधर, होता नहीं है उधर। वही तो देखो, ऊपर वाले की मर्जी है। दाह संस्कार किया, अपना ड्यूटी बजाओ, फिर आके बैठ जाओ, नाइट ले लो, होता नहीं है। वैसे आप लोगों की मर्जी, अब क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। जैसे आप पूजा पाठ में गणेश जी से शुरू करते हैं ना, वो यहाँ के मैनेजर सब कुछ हमारी उनसे बात हुई है। हम लोगों से तो 72 घंटे का हुआ है कि आपको रिपोर्ट में कोई शब्द नहीं रखा है ना, वो कम से 72 घंटे का मोहल्ल बाकी इसमें वो लोग शामिल होंगे। निवासी हिली पठार, तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, प्रथम पक्षकारगण एवं स्टार एक्स मिनरल्स अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल शर्मा, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ज्योति पक्षकारगण। यह है कि क्षतिपूर्ति प्राप्ति इकरारनामा स्वर्गीय हरिओम सल्लाम पिता रेशमलाल सल्लाम की आकस्मिक। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।